हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.6। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइजेस 1 to 6। तो ये आपको कह रहा है कि 1 to 6 जो क्वेश्चन है उसमें आप जो लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है उसकी कंसिस्टेंसी चेक करो। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमें सोल्यूशन मिलता है तो हम कहेंगे कि कंसिस्टेंट है। मतलब जैसे ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, यहां पे जैसे ये लीनियर इक्वेशन है और अगर हम यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के बता देते हैं तो वो हम कहेंगे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, अगर नहीं निकाल के बता पाए तो कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। तो कैसे हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, तो इसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो नॉट इक्वल टू जीरो आने पर हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है, तो हमें सोल्यूशन मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाएगी। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, नॉट इक्वल टू जीरो आया, हम लिख देंगे कि हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि इस कंडीशन में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अब दूसरी कंडीशन की, अगर मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल जीरो आ गया, वहां जीरो नहीं था तो हमने लिख देंगे सीधा कंसिस्टेंट है, बट अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो यहां पे दो केस हमारे बनते हैं। तो इस कंडीशन में हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना, उस कंडीशन में कुछ भी नहीं निकालना है, इस वाले केस में हमें एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। अगर यहां पे ये नॉट इक्वल टू जीरो या जीरो आता है तो नॉट इक्वल टू जीरो आते ही हम कह देंगे इनकंसिस्टेंट है, और इक्वल टू जीरो आ गया तो हम कहेंगे भाई दोनों बातें हो सकती है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो तीन चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। पहली ये कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो सीधा लिख लो कि ये कंसिस्टेंट है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल है तो इसको कैलकुलेट करो, ये वैल्यू अगर ये आती है तो इनकंसिस्टेंट है, अगर ये इक्वल जीरो आएगा तो हम कह देंगे कि भाई कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दोनों हो सकता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कर दे। समझने वाली बात हमने इंट्रोडक्शन में भी समझ ली, यहां भी समझ ली, ठीक है, दोनों क्वेश्चन लिख ली। चलो मैट्रिक्स लिखते हैं। तो पहली जो मैट्रिक्स हमारी ए होती है वो क्या होती है, कॉफिशियंट की मैट्रिक्स होती है। एक्स के मल्टीप्लाई में कौन है 1, y के मल्टीप्लाई में कौन है 2, फिर यहाँ x के मल्टीप्लाई में कौन है 2 और यहाँ y के मल्टीप्लाई में कौन है 3। इधर x लिखते हैं, इधर y लिखते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं वेरिएबल की मैट्रिक्स, वेरिएबल की मैट्रिक्स को कैपिटल X से डिनोट करते हैं, तो इसमें दो वेरिएबल है x एंड y। फिर उसके बाद कॉफिशियंट की मैट्रिक्स, इसको हम b से डिनोट करते हैं, तो कॉफिशियंट कौन है यहाँ पे 2 है और 3 है, जो राइट हैंड साइड में वो कॉफिशियंट है। तो बस हमने a निकाल दिया, अब नाउ हम डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a देखते हैं क्या आता है, 3 1 3 फॉर्मूले का -2 2 4, तो 3 - 4 क्या हो गया -1 आया। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो रहा, हमें सिर्फ ये देखना है कि जीरो है या नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहां से हम चार बातें कह सकते हैं, क्या बातें कह सकते हैं, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर भी बताया था, ये वाली चार बातें हम यहां पे कह सकते हैं कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वही होती है जिसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता है। फिर जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वो कंसिस्टेंट भी होती है और हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं इन चारों में से, तो ये कंडीशन आती है आप इन चारों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो हमारे लिए तो अभी हमें यही पूछा है तो हम सिर्फ यही लिखेंगे कि ये हमारी कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो मैंने चारों लिख दिया, नॉन सिंगुलर, इनवर्स एग्जिस्ट, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, हमें सिर्फ ये पूछा है तो आपको सिर्फ यही लिखना है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। लिख लिया, सबसे पहले इक्वेशंस देख ली, अब वही मैट्रिक्स लिखो। ए मैट्रिक्स हमारी होती है कॉफिशियंट की मैट्रिक्स, वाई एक्स का कॉफिशियंट 2 है, यहाँ एक्स कॉफिशियंट 1 है, वाई का कॉफिशियंट क्या है -1 है, यहाँ वाई का कॉफिशियंट क्या है 1 है। फिर वेरिएबल की मैट्रिक्स में कुछ सोचना ही नहीं है, ये एक्स है ये वाई है, दो वेरिएबल है। और कॉन्स्टेंट की मैट्रिक्स, तो इसको हम बी से डिनोट करते हैं, जो भी राइट में नंबर से वो लिख दो। ठीक है, फिर आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, करो 2 1 2 फॉर्मूले का -1 × 1, तो -1 हो गया, तो ये कितना हो गया -2 + 1 यानी कि 3, तो ये कितना आ रहा नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, जो हमने पूछा है वही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहां पे लिखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे, अभी दो इक्वेशन आ रही है या फिर आपकी तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल में यहाँ पे हो जाएगी। तो चलो वही मैट्रिक्स लिखो, ए आपकी कॉफिशियंट की मैट्रिक्स, एक्स का कॉफिशियंट क्या है 1 है, एक्स का कॉफिशियंट क्या है आपका 2 है, वाई का कॉफिशियंट 3 है, यहाँ वाई का कॉफिशियंट 6 है। फिर वेरिएबल की मैट्रिक्स कैपिटल एक्स, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई,
फिर आपका थर्ड मैट्रिक्स जो होती है हमारी कॉफिशियंट की कॉन्स्टेंट टर्म की मैट्रिक्स, तो ये 5 और 8 है। चलो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 1 6 फॉर्मूले का -3 2 6। तो यहां पे देखो आपका क्या हो रहा है, हियर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 रहा। अब ये इक्वल 0 आ रहा है तो यहां से आपकी क्या बनती है, दो बात बनती है, क्योंकि यहां पे हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये इनकंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू आपको बी निकालना पड़ता है। एडजॉइंट ऑफ ए आपने यहां पे बी निकाला, ये इक्वल 0 आए या फिर आपके नॉट इक्वल 0 आए, तो फिर से दो बात बनती है। अगर ये आपका यहां पर क्या आ जाता है, इक्वल आपका 0 आ जाता है, तो आप कहोगे कि ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, और नॉट इक्वल टू 0 आते ही आप सीधा कह दोगे कि ये इनकंसिस्टेंट है ना। तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रही। दो क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें तो सीधा नॉट इक्वल 0 हमने लिख दिया, लेकिन जब भी ये इक्वल 0 आता है तो ये भी ये कैलकुलेट करने के बाद ये कैलकुलेट करना है, फिर या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, है ना, दोनों में और लगा लेते हैं। तो चलो अब हमें यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालो, तो एडजॉइंट ए आपका यहाँ पे 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो बहुत इजीली निकल जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये 6 यहाँ आ गया 1 और इनके साथ माइनस लगा लो, तो ये -3 आ गया, -2 आ गया। चलो नाउ अब कैलकुलेट करो, ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालो, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 6 -2 -3 और 1 है, और बी कितना है आपका यहाँ पर 5.8 है। चलो करो मल्टीप्लाई, तो ये 5.8 यहाँ कॉलम से उठ के यहाँ कहाँ चला जाएगा, रो में चला जाएगा, है ना। चलो करो मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये आपका कितना हो गया यहाँ पर 6 5 30 -3 × 8 तो -24 हो गया, -2 × 5 -10 8 × 1 तो +8 हो गया, तो ये आपका कितना है 30 - 24 कितना आया 6 आ गया, और ये -10 - 10 + 8 यानी 10 में से 8 गया तो 2 बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 मैट्रिक्स के ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो 0 मैट्रिक्स के इक्वल ये नहीं है, तो ये इसका मतलब क्या है कि गिवन जो इक्वेशंस है वो आपकी सीधा के सीधा क्या है, इनकंसिस्टेंट है। सिंपल लिख ले, बस ये आपको यहाँ पे याद रखना, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आता है तो ये चेन, ये फ्लो चार्ट जो बनाया हुआ है वो आप यहाँ पे याद रखो, तो सीधा क्या लिख देंगे, सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट है। तो क्या लिखा, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सोल्यूशन, और अगर ये इक्वल 0 आ जाता तो हम कहते हैं इक्वेशन मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, देखो ऐसा भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 से अब आपके यहाँ पे 3 इक्वेशंस हो गई और 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशंस है। चलो सबसे पहले मैट्रिक्स लिखो, तो मैट्रिक्स को हम यहाँ पे किसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो लिखो एक्स का कॉफिशियंट यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ ए है, तो ये 1 2 ए हो गया। फिर वाई का कॉफिशियंट 1 3 ए हो गया, तो हमने लिख लिया 1 3 ए हो गया। फिर जेड का कॉफिशियंट 1 2 2 ए हो गया, तो ये हो गया 1, फिर आपका ये हो गया 2 और ये आपका यहाँ पर 2 हो गया। फिर उसके बाद वेरिएबल को x से डिनोट करते हैं, तो वेरिएबल आपके कितने यहाँ पे 3 है, एक x है, एक y है और एक z है। फिर उसके बाद हमारा b यानी कांस्टेंट, तो 1 2 4 है, तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये 4 हो गया। चलो अब इसके बाद क्या करना है आपको, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं, किसी के भी अलोंग आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रो 1 के अलोंग एक्सपांड कर लेती हूँ। तो पहला वाला ये आप सिर्फ इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा। तो 1 लिख लिया, 1 लिख लिया, तो ये वाला 1 लिखा, ये छूट गया, ये छूट गया, तो ये बच गया, तो ये 3 2 a 2 है, ठीक है। इसके साथ जैसे प्लस का साइन आया ना, इसके साथ आएगा माइनस का, मैंने आपको बताया था ना 2 4 6 8, ये इसके साथ माइनस का साइन आता है, तो ये माइनस का 1 हो गया। अब ये छूट गया, ये छूट गया, a ये 2 2 a 2 a हो गया, तो ये 2 हो गया, 2 हो गया, ये a हो गया और ये आपका 2 हो गया। फिर अब ये वाला प्लस का 1 आएगा, अब इसके साथ क्या, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या बचा आपका 2 3 a a बच गया। चलो करो सॉल्व, ये 1 मल्टीप्लाई में होगा वही चीज आने वाली, तो 2 a × 3 तो 6 a हो गया। फिर आपका यहाँ पे -2 a × 2 तो ये 2 a हो गया, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर माइनस का 1, यहाँ पे माइनस इसलिए लिखना पड़ेगा, 2 a × 2 तो 4 a हो गया, -2 × a तो ये आपका 2 a हो गया। फिर प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 × a 2 a हो गया, -3 × a आपका 3 a हो गया, तो 6 a - 2 a 4 a हो गया, 4a में से 2a गया तो 2a बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आया क्योंकि बाहर है। फिर 2a में से 3a गया तो माइनस का 3a आ गया, तो ये 4a हो गया, माइनस माइनस ऐड कर दो तो 2a, और 2 टाइम एप्पल 1 टाइम एप्पल 3 टाइम एप्पल,
तो माइनस का साइन है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाए साइन नेगेटिव आएगा। तो फोर एप्पल में से थ्री एप्पल हमने खा ली तो एक एप्पल बच गई। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होने पे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं कि हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये तो इजी है, नॉट इक्वल जीरो आती तो बहुत इजी काम हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, तो यहां पे इन्होंने क्या किया, एक एक टर्म को मिस कर दिया ना। यहां से इक्वेशन वन के अंदर तो तीनों वेरिएबल दिए, एक्स दिया, वाई दिया, जेड दिया। इक्वेशन टू में एक्स को हटा दिया, इक्वेशन थ्री में आपका जेड को हटा दिया। तो हम देखो, जो अगर नॉर्मल समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो जीरो के, अगर जीरो इसका कॉफिशियंट होगा एक्स का तभी टर्म जीरो हुई है। और यहां पे क्या होगा, अच्छा माइनस क्यों लगाया मैंने, प्लस लगा लेते हैं ना। और यहां पे क्या हो जाएगा, अगर जीरो इसका कॉफिशियंट होगा तभी जीरो इंटू जेड जीरो हुआ होगा ना। तो बस ये सोच लो, जो वेरिएबल नहीं है उसका मतलब उसका कॉफिशियंट क्या है, यहाँ पे जीरो है ना, बस ये डिफरेंट है, बाकी सारा तो वही है। एक्स का कॉफिशियंट थ्री जीरो आपका कितना हो गया, थ्री हो गया। तो लिख लो यहाँ पे थ्री जीरो थ्री। वाई क्या हो गया, माइनस वन टू माइनस फाइव, तो लिखो माइनस वन टू माइनस फाइव। और ये जेड माइनस टू माइनस वन जीरो, तो ये हो गया माइनस टू माइनस वन और जीरो हो गया। चलो वेरिएबल लिखो अब यहाँ पे, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, और आपका ये बी कॉन्स्टेंट टर्म्स टू माइनस वन और ये थ्री हो गया। अरे है ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब वही, अब हमें कंसिस्टेंट है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, चलो इसके हम इसको कॉलम वन के अलॉन्ग यहाँ पे एक्सपांड कर दे, यहाँ पे जीरो है ना, तो इसीलिए। तो आपको पता है इसके साथ ये प्लस होता है, ये नेगेटिव होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि टू फोर सिक्स एट के साथ नेगेटिव आता है। तो थ्री लिखा, थ्री के साथ ये छूट गया, ये छूट गया, ये बच गया, तो टू जीरो माइनस वन माइनस का फाइव हो गया। ठीक है, फिर ये आपका माइनस जीरो, तो ये तो छूट ही गया, इसको रहने दो। फिर ये प्लस का थ्री, क्योंकि वैसे ही जीरो बना देगा, तो ये प्लस का थ्री, ये छूट गया, ये छूट गया, माइनस वन माइनस टू टू माइनस वन हो गया। चलो करो सॉल्व, तो ये आपका यहाँ पे क्या हुआ, थ्री टू जीरो जा जीरो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस फाइव इंटू माइनस वन प्लस का फाइव है, लेकिन फॉर्मूले का माइनस है ना। फिर माइनस जीरो तो इसको हटाई दो, फिर ये प्लस का थ्री, माइनस वन इंटू माइनस वन वन हो गया, फिर फॉर्मूले का माइनस, टू इंटू माइनस टू माइनस का फोर है, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस कर देंगे। तो ये आपका कितना हो गया, थ्री इंटू माइनस फाइव, तो माइनस का फिफ्टीन हो गया। फोर प्लस वन फाइव, फाइव थ्री जा, तो ये आपका प्लस का फिफ्टीन हो गया और ये इक्वल टू जीरो आ गया। अब आपको पता है ना कि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ जाता है तो हमारे पास फिर से वही दो कंडीशन होती है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ता है। अगर ये हमारा इक्वल जीरो आ गया तो अलग कंडीशन है, अगर ये हमारा नॉट इक्वल टू जीरो आया तो अलग कंडीशन है ना। अगर ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल अगर आपका जीरो आ गया तो ये आपका कंसिस्टेंट भी है और इनकंसिस्टेंट भी, तो कुछ भी हो सकता है। और नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम सीधा कह देंगे कि भाई ये इनकंसिस्टेंट है ना, ये चीज आप याद रखना, इसको भूलना नहीं। तो चलो फिर आगे वाला पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, तो निकालो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दे पहले। तो एडजॉइंट ऑफ ए थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो अब आपका एडजॉइंट ए निकालना थोड़ा लंबा काम हो गया ना। तो यहाँ पे देखो ये एडजॉइंट ए, अभी हम इसका क्या होता है, जो आपके को फैक्टर्स की मैट्रिक्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो को फैक्टर की मैट्रिक्स आप यहाँ पे देखो, पहले अगर मैं ये थ्री को लेती हूँ तो ये हट गया, ये हट गया, और ये आ गया ना टू फोर सिक्स एट के साथ में नेगेटिव का साइन आता है, ये हट गया, ये हट गया, टू जीरो जीरो हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइव वन जा फाइव हो गया, लेकिन फॉर्मूले का माइनस आएगा तो ये माइनस का यहाँ पे फाइव हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर माइनस वन को लेते हैं तो ये हट गया और ये हट गया, जीरो 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 हो गया, और थ्री माइनस वन इंटू थ्री माइनस का थ्री हुआ, लेकिन यहाँ पे एक माइनस और आता है तो ये प्लस का थ्री हो गया, यहाँ पे जो भी आता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, देखो कुछ गड़बड़ हो रही है ना, इसलिए देखो वापस कर दे, माइनस वन है, ये छूट गया, ये छूट गया, तो जीरो जीरो जीरो, फॉर्मूले का माइनस, थ्री इंटू माइनस वन, तो माइनस का थ्री हो गया, तो प्लस का थ्री आया, प्लस का थ्री आया, लेकिन यहां वाले की साइन के साथ एक के साथ नेगेटिव का साइन आता है तो यहाँ माइनस का थ्री आएगा, है ना। हम यहाँ पे जो है वैसा का वैसा रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी आता है उसका साइन चेंज कर दिया, प्लस का थ्री आया तो माइनस का थ्री कर दिया। फिर माइनस टू लोगे तो ये हट गया, माइनस फाइव इंटू जीरो, माइनस फाइव इंटू जीरो आपका यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया।
फिर आपका 3 × 2 = 6, तो 0 − 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या है आपका माइनस का 6 आ गया। फिर नेक्स्ट 0 देखोगे तो ये आपका ये छूट गया, ये छूट गया, −1 × 0 = 0। फिर माइनस, −5 × −2, तो ये आपका 10 हो गया, तो 0 − 10 आपका कितना होगा, यहाँ पे माइनस का 10 आ रहा है, बट इस वाली जगह पे एक साइन चेंज हो जाता है, इस वाली जगह पे क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है ना, इसका साइन चेंज होगा, यहाँ भी −10 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 10 हो जाएगा। फिर 2 देखो तो ये छूट गया, ये छूट गया, 3 × 0 = 0। फिर माइनस 3 × −2, तो माइनस का 6 हो गया है ना, तो माइनस माइनस ये कितना हो गया प्लस का 6 हो गया, तो यहाँ तो सीधा का सीधा आ जाएगा। फिर −1 ये छूट गया, ये छूट गया, −5 × 3, तो माइनस का 15 हो गया, फॉर्मूले का −3 × −1, तो माइनस का 3 हो गया, तो माइनस का 15 + 3 कितना हो गया माइनस का 12 हो गया। अब माइनस का 12 है तो यहाँ पर भी साइन चेंज होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका प्लस का 12 हो गया। फिर 3 ये सारा छूट गया, −1 × −1 = 1 हो गया, 2 × −2, तो ये आपका माइनस का 4 हो गया है ना, यही हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 4 आपका 5 आ गया, तो यहाँ पे तो आपका सीधा का सीधा 5 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आपको तरीका आना चाहिए सॉल्व करने का, कितनी बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिर −5 को आप यहाँ पे देखो, ये छूट गया, ये छूट गया, 3 × −1 − 3, फॉर्मूले का माइनस, 0 × −2, तो 0 हो गया, तो माइनस का 3 ही बचा, तो यहाँ पर भी आपका साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, तो ये आपका प्लस का 3 हो गया, इसका और इसका जो भी सॉल्व करके आ रहा है उनके साइन चेंज जाते हैं। फिर 0 रखा तो ये छूट गया, ये छूट गया, 3 × 2, तो ये आपका 6 हो गया। फिर −1 × 0 = 0, तो ये तो आपका यहाँ पर सीधा का सीधा क्या आ गया, 6 ही आ गया है ना, समझ में आ गया। चलो अब इसका ट्रांसफोर करो, ट्रांसपोज किया तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, तो ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया −5 × 10 = 5, ये आपके कहाँ आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे है ना, तो ये हो गया आपका −5, जो रो है वो हमारी row 1 column 1 बन जाएगी, ये वाली, या फिर आप देखो ये column 1 हमारी row 1 बन गई, अब column 2 हमारी row 2 बन जाएगी, −3 = 6 और column 3 हमारी row 3 बन जाएगी, −6 = 12 और ये आपका 6 हो गया, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नाउ हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये इक्वल 0 आ जाता ना तो लंबा काम हो जाता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करो, तो −5 − 3 − 6, ठीक है, फिर 10 = 6 = 12, फिर 5 = 3 = 6, अब b लिखो, b क्या है आपका यहाँ पे 2 − 1 और 3 है, तो ये पूरा का पूरा कॉलम उठ के इधर आ जाएगा, 2 − 1 और ये 3 हो गया है ना। चलो करो मल्टीप्लाई और देखते हैं हमारा 0 आता कि नहीं, −5 × 2 − 10, −1 × 10 − 10, 5 × 3 = 0, तो ये हो गया 15, −3 × 2 − 6, 6 × −1 − 6 और ये प्लस का 3 × 3 = 9, −6 × 2 − 12, −1 × 12 − 12 और ये 6 × 3 = आपका 18 हो गया, तो वैसे भी 0 तो नहीं आ रहा, सामने ही दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो 20 में से आपका यहाँ पे 15 गया, 20 में से 15 गया, तो माइनस का यहाँ पे क्या बच गया, 5 बच गया। फिर ये आपका 6 क्या हो गया यहाँ पे 12 हो गया, 12 में से माइनस के 12 में से 9 गया, तो ये आपका 3 हो गया, 24 में से आपका 18 गया, तो माइनस का 6 हो गया, तो आ रहा है ये 0, नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 होने पर क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होने पर हम क्या देते हैं कि डायरेक्ट ये इनकंसिस्टेंट है, तो लिख लेंगे हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इन कंसिस्टेंट, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे लंबा पापड़ बिलना पड़ता है, बहुत लंबा काम करना पड़ता है, और नॉट इक्वल 0 आती है तो सीधा हम लिख लेते हैं। चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ हम कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है, 3 वेरिएबल है और 3 आपके यहाँ पर क्या इक्वेशन है, तो वही पहली यहाँ पे कॉफिशियंट की मैट्रिक्स, एक्स के लिए 5 × 2 = 5, 5 × 2 = 5, वाई के लिए −1 × 3 − 2, −1 × 3 − 2, फिर 4 × 5 = 6, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5, ये आपका 6 हो गया। फिर वेरिएबल की मैट्रिक्स, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, फिर आपका यहाँ पे कॉफिशियंट की मैट्रिक्स, तो 5 × 2 − 1 हो गया, ठीक है। चलो एक बार वेरिएबल और चेक कर लेते हैं, हाँ सब कुछ राइट है, अब वही हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करना है, तो किसी के भी अलोंग यहाँ पे एक्सपांड कर दो, मैं आपको row 1 के अलोंग कर देती हूँ, हमारी row 1 है इसके अलोंग कर देती हूँ, तो आपको पता है इसके ये प्लस आएगा साइन, इसका नेगेटिव आएगा, इसका प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस का 5 है, इसके साथ क्या आएगा, ये छूट गया, ये छूट गया, 6 × 3 = 18 हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूले का माइनस
फाइव इंटू माइनस टू, तो ये आपका माइनस का 10 आ गया। चलो फिर माइनस और ये माइनस का 1, माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये छूट गया ये छूट गया, 6 2 12 माइनस 5 5 25 हो गया। फिर प्लस का आपका 4 हो गया, तो ये छूट गया ये छूट गया, माइनस 2 2 माइनस का 4, फिर आपका फॉर्मूले का माइनस 5 3 ये कितना हो गया, तो 15 हो गया, है ना। चलो अब सॉल्व करना ही रहा, 5 18 माइनस माइनस प्लस, तो 18 प्लस 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, 25 में से आपका 12 गया तो माइनस का 13 बचा, फिर प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 19 हो गया, तो ये आपका 5 हो गया और ये 28 हो गया, और यहाँ पे तो सीधा माइनस का 13 हो गया, माइनस का 19 इंटू 4 तो 76 हो गया, तो ये 85 44 और ये आपका 14 140, इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, 639718 हो गया, तो 140 में से 89 गया तो 51 बचा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हियर डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, और नॉट इक्वल टू जीरो पे आप सिंपल लिख सकते हो, हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इक्वेशंस आर इन, नो नो इसके लिए कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे काम लिया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यानी यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये तो हमारी कंसिस्टेंसी चेक करने का काम हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं जो हम क्वेश्चन करेंगे वहां हम इनके वैल्यूज निकालेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालेंगे, तो वो भी आपको पता ही है कि वो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमें निकालना ही है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें ये कैलकुलेट करना है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी से हमें कैलकुलेट करना है या इससे हमें निकालना है। इससे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, हमें सिर्फ इसी से सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करने से अच्छा आप खुद उनको ट्राई करके सॉल्व कर दे, क्योंकि आधा पार्ट तो हम यहाँ पे कर चुके हैं, जहां भी कंसिस्टेंट लिखा है वहां सॉल्यूशन मिलेगा, जहां इनकंसिस्टेंट है वहां सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। थैंक यू।